अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो व्लॉग है ना, वो बड़ा मज़ेदार सा होने वाला है। यहाँ मैं बना रही थी आलू के पराठे, और जो मैं आज आलू के पराठे बनाना आप लोग को सिखाऊंगी ना, वो कुछ डिफरेंट है और बहुत इजी मेथड है, ख़ासतौर पे उन लड़कियों के लिए जो अभी अभी नई नई कुकिंग करना स्टार्ट हुई हैं, तो उनको बहुत इजी लगेंगे ये आलू के पराठे बनाना। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि 1 kg लिए हैं पोटैटोज़, उनको मैंने बॉयल कर लिया बहुत अच्छे से, और फिर मैशर की मदद से मैश कर लिया। यहाँ मैंने अपने छोटे वाले के लिए अलग कर लिया था, क्योंकि वो मिर्चों वाले नहीं खा सकता, दैट्स व्हाई मैंने उसमें नमक और सिर्फ हरा धनिया डाला है। साथ ही मैंने यहाँ हरा धनिया, थोड़ा पुदीना डाला है, साथ ही मिर्च डाल दूँगी और चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर बहुत ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंसर है, बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर कर देगा। फिर हल्दी डालिए, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया, और इसको खूब अच्छे से मैश करके ना मैं पुनः मिक्स कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, आप इसमें ना ऑप्शनल है, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और प्याज भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए मैंने ना हरी मिर्चें डाली है ना प्याज, और यहाँ मैं डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है कसूरी मेथी। यकीन जाने ये डाल के आप पकाएं, बहुत मज़ेदार से आलू के पराठे रेडी होंगे। अब यहाँ देखेंगे, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं अपने करने लगी हूँ पराठों की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो ख़ासतौर पे उन बच्चियों के लिए जो अभी छुट्टियाँ पे हैं और चाह रही हैं थोड़ा बहुत कुकिंग करना, तो ये बहुत इजी मेथड है। अच्छा, मैंने इसको ना भूना नहीं है, 2-3 किस्म के तरीके होते हैं जिससे आप आलू के पराठे बनाते हैं। बहुत से लोग भून के भी बनाते हैं, और हम भी भून के भी बनाते हैं ना, ऑयल डाल के उसमें थोड़ा मसाले वगैरह डाल के सब भून के, लेकिन ये मैं बिल्कुल ईजी मैथड सिखा रही हूँ। और इसका जो पराठे की मेकिंग है ना, वो भी बहुत ईजी है। तो जो न्यू लड़कियां हैं ना, जो अभी कुकिंग करना स्टार्ट हुई हैं, तो भाई फटाफट स्टार्ट हो जाएं, और ये आप लोगों को आज जो रेसिपी है ना बहुत पसंद आएगी। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैं 2-3 दिन की वीडियो सम अप कर लेती हूँ, 2-3 दिन मैंने कैसे कैसे गुजारे, क्या क्या पकाया, और इसी तरह ये भी 2-3 दिन की वीडियो है जो एक पूरा व्लॉग मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। जो है ना, इसका बेसिकली काम स्टार्ट हुआ है। अब ये देखें, मैंने रोटी को बेल लिया है, सिंपल रोटी आप बेल लीजिए। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, बहुत इजी मेथड है, और अगर आप चाहेंगे ना तो एक ही तवे पे दो पराठे भी बन सकते हैं। मैं क्या करूँगी, एक साइड पे मैं लगाऊँगी आलू, और खूब सारे आलू लगा लूँगी, या जितने गैजेटेड हैं आपको, जितनी ज़रूरत है, आपकी फ़ैमिली जितना पसंद करती है उतना लगा लें। और फिर इसको सिंपल क्या करें, फ़ोल्ड कर दें, जस्ट फोल्ड कर दें हाफ़, यानी कि हाफ़ में हमने आलू डाला है और हाफ हम इसका फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करके हम देखें, जितना मैं आपको दिख रहा होगा कि इतने आलू डाल रही हूँ, जितना अगर बच्चे खाएं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, और बड़े खाएं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी टाइम था ये रात का, और मेरे हस्बैंड, मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि काफ़ी लेट आते हैं, तो ये अभी मैं बनाने लगी थी अपने बच्चों के लिए। तो ये देखें, सिंपल से मैंने इसको खूब अच्छे से प्रेस किया है और स्ट्रेट अवे से तवे पर डाल दिया है। तो बहुत इजी ये मेथड है उन बच्चियों के लिए जो परेशान होती हैं भाई कि हम डबल रोटियां बेलें और उसमें आलू का भुरता भरें, और काफ़ी कभी बार ऐसा भी होता है कि वो भुरता जो है ना फट के निकल भी जाता है, और फिर परेशान होती हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करें। तो बहुत इजी मेथड है, यकीन जाने आपकी फ़ैमिली को भी बहुत पसंद आएगा, और मेरे बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया। उन्हें ये डिफरेंट स्टाइल के पराठे ना, कभी कभी कुछ चीज़ें डिफरेंट करके दो ना, तो बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल के पराठे उन लोग को बहुत अच्छे लगे, और मेहनत भी यकीन जाने बहुत कम लगी। तो बहुत इजी मेथड है, आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिए। पीछे आ रही होगी आपको आवाज़ें, तो जस्ट इग्नोर इट। असल में होता ये है कि लाइट चली जाती है, और तो मैं कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन जो मेरे छोटे वाले जनाब है ना, वो बस उनकी आवाज़ें आपको चारों तरफ जो है ना वो सुनाई देंगी, तो यू जस्ट इग्नोर इट। अच्छा, यहाँ मैं देखें दूसरा पराठा एक बार और देख लें आप इसी का मेथड, बहुत आसान है। मैंने कोई घी वी भी अंदर डाला नहीं है ना, ऐसे ना ऑयल डाला है, बस थोड़ा सा जब रोटी के लिए आटा गूंद रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था उसमें, ताकि अंदर थोड़ा ही सॉफ्ट सा आटा गूंदे। पता है क्या मसला है, कितनी भी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे मांगते हैं वैरायटीज़, और बच्चों को तो नहीं पता ना कि इर्द गिर्द का माहौल क्या चल रहा है, और उनको बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दरअसल इंसान उसको बताए जो आपकी कोई हेल्प कर सके। तो बच्चे मांगते हैं वैरायटीज़, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, उनकी तो हर वक्त की फरमाइश, और जब घर पर होते हैं ना तो उन्हें 4-4, 5-5 टाइम भूख लग रही होती है। तो मैंने खूब फुल फ्लैश यहाँ पर पराठे बनाए थे अपने चारों के लिए, छोटे के लिए जो मैंने ना अलग सा पराठा बनाया था, जो बिना
मिर्चों का था, तो वो भी उसको बहुत पसंद आया, उसने भी माशाल्लाह पूरा फिनिश किया। तो ये पूरा एक मील है ना, अगर और भी बनाने हैं, मैंने माशाल्लाह से 6 पराठे बनाए थे जिसमें से मेरे 3 बच्चों ने 5 पराठे शेयर किए थे एक दूसरे के साथ, और एक जो था वो मेरे छोटे वाले ने खाया था। तो बच्चे जो है ना बस वैरायटीज़ मांगते हैं, उन्हें नहीं पता कि बस छुट्टियां हैं तो उनका बस यही दिल होता है कि घूम लें फिर लें, इधर चले जाएं उधर चले जाएं और खाएं पिएं ऐश करें। तो ज़िंदगी इसी तरह भाग रही है, दौड़ रही है, और पता भी नहीं चलता कि कब सुबह से रात हो जाती है। कभी कभी कुछ कामों को करने बैठो तो इतना दिल वो होता है कि कभी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ भी इंसान करे। तो ये तो ज़िंदगी का क्या कहेंगे खूबसूरती है जो हमारी ज़िंदगी के साथ है, हमारे बच्चों की सूरत में। तो अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को शाद आबाद रखे, सबको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। काम की बात हो ना, तो यकीन जाने इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करूँ, लेकिन जब किचन में जाती हूँ तो थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी कि थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, लेकिन दिमाग जो है ना वो कभी कभी इतना एब्सेंट हुआ हुआ होता है कि बस जो घर के थोड़े बहुत काम हो रहे होते हैं ना, और ख़ास तौर पे कुकिंग वगैरह हो रही थी, बस उसी में जो है ना तमाम चीज़ें गुजर जाती हैं। और लाइटों का भी इतना मसला हो गया है कि 2-2 घंटे की लाइट जाती है। अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा कम हुआ है लाइट जाना, कभी 1 घंटे की भी चली जाती, कभी 2, वरना तो लास्ट थोड़े दिन पहले काफ़ी 3-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो बस इसीलिए बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाता है इंसान कि कहाँ तक क्या क्या करे। और यहाँ देखें बेहतरीन से बन गए थे पराठे, और मैंने किए अपने बच्चों को सर्व और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। फिर ये नेक्स्ट डे था और मुझे जाना था हैदराबाद कॉलोनी। बहुत दिनों से था मेरा कि मैं जाके वहाँ से अचार लूँ, यहाँ पे बहुत मज़े के अचार मिलते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे और नहीं जानते जो उनको बता दूं कि ये है हैदराबाद कॉलोनी, ये 3 हट्टी के करीब है, 3 हट्टी नहीं क्या कहेंगे जेल रोड के करीब है ये कॉलोनी, बहुत मशहूर कॉलोनी है। तो हम लोग तो हैदराबादी हैं भाई, तो मुझे जो है ना बहुत पसंद है यहाँ के अचार। तो जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो मेरे पापा बहुत लेकर आते थे यहाँ से, क्योंकि हम लोग दोनों अम्मा अब्बा दोनों तरफ से ही माशाल्लाह हैदराबादी हैं, तो जो है ना यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब जो यहाँ पे मिर्चों का अचार और भगारे बैंगन थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि यहाँ से मैंने क्या क्या लिया, और मैंने काफ़ी सारे अचार लिए हैं यहाँ से, और मैंने भी अपने मियाँ जी को बोला, काफ़ी दिनों से बोला हुआ था कि मुझे जाना है, और ये लोग मज़े की बात ये कि टेस्ट भी करवाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो मिर्चों का अचार और मिर्चों का सालन और जो होता है ना हैदराबादी मिर्चों का सालन और भगारे बैंगन वो टेस्ट करूँ। लेकिन यकीन जाने इससे अच्छा तो हम अपने घर में बना लेते हैं, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे कहने भी लगा कि आपको टेस्ट का पता है, मतलब जी बिल्कुल पता है भाई। तो मैं यहाँ गई थी अपने नंदोई के साथ, मेरी नंद रहती है इसी तरफ, तो मैं उसके घर चली गई थी, फिर वहीं से वो मुझे यहाँ ले गए थे। तो बहुत अच्छे मेरे नंदोई यहाँ ले आए, तो मैंने बल्क में ख़रीद लिए थे, तकरीबन 6-8 महीने की छुट्टी हो गई, क्योंकि अचार ना हमारे घर में ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ या मम्मी पापा खाते हैं, बच्चों को मैं बिल्कुल भी नहीं खाने देती, और जो है ना मियाँ जी मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते खट्टा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, 3-4-5 ही दुकानें होंगी यहाँ पर, लेकिन सारा जो है ना यहाँ पर वैरायटी ऑफ अचार है, चटनियाँ हैं, और क्या कहेंगे मुरब्बे हैं, और जो पानी वाले अचार होते हैं, सिरके वाले अचार होते हैं, पापड़ होते हैं, एवरीथिंग है यहाँ पर। तो हमने आपसे ली थी लुकमियाँ, वो भी हैदराबादियों की बड़ी फेमस चीज़ है, वो समोसों के टाइप की होती है, वो हम लोग ने ट्राई की तो बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हम ना आगे की तरफ गए, तो वहाँ जो है ना उस आदमी ने वहाँ के जो अचार टेस्ट करवाए ना वो बोलने में भी बिल्कुल हैदराबादी थे, तो मुझे वहाँ के ज़्यादा अच्छे लगे ना अचार, तो मैंने बोला चलो अब नेक्स्ट टाइम वहाँ से लेंगे। तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं और आप लोग भी अचार लवर हैं तो ज़रूर जाएं हैदराबाद कॉलोनी, बहुत अच्छी है। ये दक्कन अचार घर से लिया था, लेकिन इससे अच्छा जो अचार का टेस्ट था ना वो था हमारा इसी से पहले है चटखारे, उसका था बहुत अच्छा टेस्ट। फिर ये नेक्स्ट सुबह थी और मैंने बच्चे मेरे उठे बहुत देर से, क्योंकि लाइट जाती है ना रात को, तो बच्चे देर तक जागते हैं क्योंकि लाइट जाती है फिर उठ जाते हैं। तो मैंने उनके लिए सुबह बोला कि भाई मैं जो हूँ ना अभी तुम लोग को नाश्ता वास्ता नहीं दूंगी, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, 12:30 बज गए, हद हो गई। तो मैंने जल्दी से इनका बनाना एंड मैंगो शेक बना लिया था, मेरी नन का बेटा भी आया था, मैंने तुम लोग ये करो इतनी देर में मैं बना लेती हूँ तहारी, जब तक तुम लोग ये इन्जॉय करो थोड़ा सा पेट में कुछ चला जाएगा ना। और ये देखें मेरे छोटू को देखें, बिल्कुल भी मुँह नहीं उठाने के लिए तैयार था, वो लगा पड़ा था
शेक पीने में तो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। तो बस बच्चों को यहाँ मैंने छोटा सा दिया एक शेक का ट्रीट और मैंने बोला तुम लोग पियो। ये ना मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस लाई थी तो इसमें बड़ा खुश हो जाते हैं ये लोग ग्लासेस में ना के वाह मज़े से वो पीते हैं, ठीक है ना। ये नेक्स्ट डे की सुबह का बताया मैंने और मैं अब अनबॉक्सिंग कर रही थी अपने अचारों को। ये मैंने 6 किस्म के अचार लिए हैं। मुझे यहाँ का ना लहसुन का अचार बहुत पसंद है, लहसुन का और नींबू का, बस वो तो मेरा फेवरेट है ना। नींबू का अचार मुझे वैसे भी बहुत पसंद है तो बस वही मैं लेकर आई थी। साथ ही जो मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि कौन कौन से अचार मैंने लिए थे, अभी मैं ज़रा इनको निकाल लूँ अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर जाएं अगर आप लवर हैं अचार के। ये देखें, ये है लहसुन का अचार, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, ये है इमली का अचार, इमली का गूदे का अचार। ये मिर्चों का अचार था और ये था आम के गूदे का अचार, यानी कैरी के गूदे का अचार होता है ना जैसे वो। फिर ये आ गया नींबू का अचार और मेरे ख्याल में आप लोग के मुँह में पानी तो ज़रूर आ रहा होगा। और ये था मिक्स अचार, तमाम जैसे मिक्स अचार आम मिलते हैं तो बहुत मज़ेदार ये अचार हैं। तो आप लोग जाएँ तो ज़रूर लें, इतनी महंगी भी नहीं है, तकरीबन 170 180 150 तक की एक एक बॉटल है और ये हाफ के जी की बॉटल है ना, तो वर्थ इट कि आप ख़रीद सकते हैं। और उसी दिन सेम डे मैं बनाने लगी थी तहारी, क्योंकि रात को कुछ ऐसा नहीं था, मैंने वहीं से खाना खा के आई थी अपनी नन के, उसने हमें खाना खिलाया था। तो बस मैंने कुछ पकाया था, सुबह सोचा जल्दी जल्दी सफाई वगैरह से फारिग होके बच्चे सोते ही रहें, तो मैंने एक कमरा छोड़ा और बाकी घर को साफ करके मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी तहारी। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और साथ ही हरी मिर्चें। नॉर्मल सिंपल सा मेरा मेथड है, कभी आप लोगों के साथ अपनी तहारी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। ये तो मैंने पतीले में बनाई थी क्योंकि मेरा कुकर हुआ है ख़राब। इंशाल्लाह जल्द से जल्द जब मेरा कुकर सही होगा ना तो आप लोगों को इंस्टेंट तहारी की रेसिपी दूंगी और इतना ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट आता है। मोर देन 15 मिनट में आप तहारी बना के रेडी कर सकते हैं, आलू वालू सब गल चुके होते हैं, तो वो मैं आप लोग को ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर ये था सेम डे का ही रात का वक्त यानी शाम का वक्त, और अब मैं बनाने लगी थी करेला कीमा। बड़े शौक़ से दिल चाहा था, लास्ट टाइम मैं करेले लेकर आई थी, यकीन जाने इतने ख़राब वो करेले थे, पता नहीं बाय बर्थ कह लें बाय ट्री बोल लें क्या बोलें, वो उसी हिसाब से ही ख़राब थे ना, इतने कड़वे। वो तो शुक्र हुआ कि मैंने प्याज करेले बनाए थे, लेकिन वो ज़बान पे रखते ही मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारी वीडियोस देखी कि किसी तरह मैं जो ना इसको कर लूँ यूज़ और कुछ भी करके बना लूँ, लेकिन मैंने फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई तुम इसको बढ़ा दो, इसलिए कि अगर तुम किसी चीज़ में भी आटे में भी गूंद लोगी तो कड़वाहट तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये हैं ही कड़वे। तो फिर मैं दोबारा लेकर आई तो ये बहुत अच्छे थे, नॉर्मल से कड़वे थे, इतने कड़वे भी नहीं थे, बहुत अच्छा सा एक करेले कीमा बने। तो मैंने यहाँ पे प्याज ली थी 3-4 गड्डी, अगर बड़ी हो तो 2 ले लें, और लहसुन अदरक डाला है। कीमा मैंने लिया है चिकन का और आज था जुमरात का दिन, ठीक है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जुमरात को मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि गोश्त कीमा या कुछ इस तरह की चीज़ बनाऊँ ताकि जुमरात में नज़र वगैरह भी हो जाए, न्याज वगैरह भी दिल जाए और एक अच्छा सा बच्चे मील भी इंजॉय करें। एक जुमरात और एक इतवार के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बनाऊँ। बस यहाँ पे कीमे को लिया मैंने उसी तेल में अच्छे से रॉय स्मेल इसकी उस वक्त तक भुना है जब तक रॉय स्मेल इसकी ख़त्म हो गई, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। अच्छा, टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है और कुछ लोग बहुत हंसेंगे कि इसमें टमाटर क्यों डालें, लेकिन लिटरली मैं इतनी डरी हुई थी ना, मुझे इतना डर था, खौफ था कि ये करेले भी ना ख़राब ना निकलें। जबकि मैंने क्या किया था, करेलों को अच्छे से पील किया था पिलर से, उसको काट के गोल गोल और सारे उसके बीज निकाल लिए थे ना, तो देन मैंने उसको खूब सारा नमक लगाया था ताकि इस दफ़ा प्लीज़ करेले कड़वे ना हो। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने सेम मेथड किया था, धूप तक लगाई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मम्मी मुझे कहने लगी कि वो करेले कड़वे ही होंगे बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं वही सिंपल नॉर्मल से मसाले डाल रही हूँ, लहसुन अदरक के साथ कीमा डाला है, कीमे के साथ मैंने डाल दिया था टमाटर, फिर हल्दी, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च जैसा भी है डाल लें, नमक है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। मैंने तकरीबन 3.5 किलो के करीब कीमा लिया होगा और 1 किलो के करीब मेरे पास करेले थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी खाए, वरना बच्चे भी खा लेते हैं। लास्ट टाइम तो बच्चों को इतने वाला क्या खिलाती मैं, मुझसे खुद नहीं खाए जा रहे थे। बस कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान से काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं और समझ नहीं आता कि भाई क्या वजह रही
कि जिसकी वजह से ये इतने ख़राब हो गए। अब यहाँ देखें, अब ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो गया ना, तो मैं इसमें अपने डाल दूँगी करेले। करेले को मैंने आपको बताया पहले भी कि मैंने इसको पील किया है अच्छे से, इसमें खूब सारा नमक लगा के फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इसमें इसको ऐड किया है। अच्छा, नमक थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि एंड में आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब करेलों में नमक होगा ना तो ऐसा ना हो कि आपका नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और फिर आपको उठानी पड़े मुश्किल। तो बस ये है कि छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग के साथ आज शेयर की हैं। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और जो है ना आप लोग का बहुत 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 सारा शुक्रिया कि आप लोग जो है ना अपने इतने कीमती वक्त में मेरे लिए वक्त निकालते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था रात का वक्त जब आ गए थे मेरे हस्बैंड, बच्चों ने भी खाया, हस्बैंड आ गए थे तो लाइट गई भी थी तो मैंने उनके लिए निकाला और उनको भी ये बहुत पसंद आए। तो शुक्र है इस दफ़ा मेरे करेले जो है ना वो वेस्ट नहीं हो। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।